ये जो जगमगाती हुई सितारों भरी दुनिया है ना, यकीन मानिए देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आपके और हमारे जीवन की तरह ही आते हैं, लेकिन शायद उनको एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सामने आकर अपनी मुश्किलों के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। अभिनेत्री छवि मित्तल उन्हीं में से एक है। हाल ही में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और किस तरह अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया एंड इन द प्रोसेस प्रभावित भी किया लोगों को। आइए दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ कलाकारों से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। डियर ब्रेस्ट, तुम्हारा जादू मैंने तब जाना था जब तुमने मुझे अत्यंत खुशी दी थी। महत्व तब जाना था जब तुमने मेरे बच्चों को फीड किया था। आज मेरी बारी है तुम्हारे लिए खड़ा होने की, क्योंकि तुम कैंसर से लड़ रहे हो। कुछ यही शब्द सोशल मीडिया पर अभिनेत्री छवि मित्तल ने लिखे थे जब उन्हें लगा कि उनकी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाती हैं। काफी सारे कारण हमने देखे, जैसे कि कोई लेडीज कहती है कि घर में शादी आने वाली है, हमको किसी को बताना नहीं था, या बच्चे की एग्जाम आने वाली है, हमको किसी को डराना नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया, और बताया तभी एकदम एडवांस हो गया था। सो कभी कभी महिलाएं तीन चार महीने किसी को बताती नहीं है, उनको पता होता है फिर भी, क्योंकि उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ये गलत है। मैं ये कहूँगा कि ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर में जिंदगी और सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। छवि का सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट देखकर बहुत लोगों ने छवि की हिम्मत की तारीफ की और साथ ही उनके लिए शुभकामनाएं भेजी। मुंबई के मसीना हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय हरिभक्ति कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी जितने जल्दी पता चल जाए, पेशेंट के बचने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन, यानी ऑलमोस्ट आई वुड से कि 90% पेशेंट्स में पेनलेस लंप होता है, यानी एक गठान जैसा हो जाता है और बिल्कुल बिना किसी पेन के। सो वो पहला उसका साइन है, वेरी कॉमन साइन इज दैट। और कुछ साइंस भी है जो जानने चाहिए, जैसे कि अगर ब्रेस्ट की चमड़ी जो है वो अंदर खींची जाती है, उसको डिम्पलिंग कहते हैं, जैसे डिम्पल होता है ना, तो ऐसा चमड़ी में डिम्पलिंग होता है, वो एक साइन है जो बता सकता है कि ये शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो निप्पल होता है, निप्पल होती है, वो रिट्रैक्ट हो सकती है। अगर निप्पल अंदर चली जाती है तो वो भी एक साइन हो सकती है कि अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट कॉमनेस्ट साइन एक पेनलेस स्वेलिंग होता है। छवि मित्तल के अलावा कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जैसे कि आयुष्मान खुराना की पत्नी और फिल्म मेकर ऑथर ताहिरा कश्यप को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मगर उन्होंने हिम्मत से, खुमारी से इस बीमारी का सामना किया और कैंसर का कड़ा मुकाबला किया। कुछ ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने सोनाली बेंद्रे ने भी रखा है, तो किरण खेर ने भी। मनीषा कोयराला और लीसा रे की कहानी भी हमें प्रभावित करती है, जो कैंसर से जूझ कर आज नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। तो बीते जमाने की नायिका मुमताज भी ब्रेस्ट कैंसर का सामना कर चुकी हैं, मगर आज वो अपने हौसले के कारण खुशी से अपना जीवन बिता रही हैं। सो ये जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे कोई खास वजह नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि ये एक बीमारी ऐसी है जिसमें फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि 25% पेशेंट्स में हेरिडिट्री होता है, यानी हेरिडिट्री में भी माँ की साइड पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माँ को या दादी माँ को या नानी को या मासी को या अपनी बहन को, किसी को भी हो तो रिस्क ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मगर जैसे हमने कहा, वो केवल 25% पेशेंट्स में हम देखते हैं, बाकी के पेशेंट में कोई ऐसी खास वजह नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट ने
ज़्यादा लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हो, कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हार्मोनल पिल्स लिए हो, या अगर कोई पेशेंट जो शादीशुदा भी है मगर बच्चे बहुत देर से हुए हैं, या तो बहुत 2-3 मिसकैरेज हो गए हो या एबॉर्शन करवाए गए हो, और जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट फीडिंग न किया हो, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव, ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं उनमें प्रोटेक्शन, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। कैंसर नाम सुनकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए और लाइफस्टाइल को सुधारा जाए तो कोई भी बड़ी बीमारी का हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम करने के लिए आइडियल बॉडी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ें आज लोग भूल रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आज क्या है, टाइम कम है, जो भी मिला जल्दी से खा लो और ख़त्म करो। सो गलत चीज़ें खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, वजन बढ़ता है, एंड और नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर मगर पूरी सेहत के लिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी पूछो वो वही कहेंगे कि एक्सरसाइज करो, वजन कंट्रोल में रखो। मुश्किलों के कई रूप हैं मगर उनका मुकाबला करने का एक ही उपाय है, पॉजिटिव एटीट्यूड। मन का हारा सच में हार जाता है और मन की जीत दुनिया को जिता देती है। छवि के सोशल मीडिया पोस्ट से यही साबित हो गया है कि वो मन से बिल्कुल नहीं हारी हैं, और छवि की तरह हिम्मत के साथ कैंसर के खिलाफ लड़ रही तमाम महिलाओं को SBS ओरिजिनल्स भी सलाम करता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।